ये सच्ची कहानी रमेश नाम के एक आदमी की है, जो अपनी नौकरी की वजह से अपने गांव से दूर एक दूसरे शहर में रहता था। ये घटना करीब 20 साल पहले की है। रमेश नौकरी के अलावा छुट्टी के दिनों में एक और काम करता था, और वो काम था सांप पकड़ने का। जब किसी के घर या फिर आंगन में कोई सांप आता, तब वो लोग सांप पकड़ने के लिए रमेश को बुलाते। वो सांपों को पकड़ता तो था, लेकिन किसी सांप को पकड़ने के बाद वो उसे जंगल में छोड़ने की बजाय मार डालता था, और ये काम रमेश काफ़ी सालों से कर रहा था। एक दिन ऐसे ही उसे किसी ने सांप पकड़ने के लिए बुलाया था। रमेश वहाँ चला गया, तब उसने वहाँ देखा कि जिसने सांप पकड़ने के लिए बुलाया था, उसके आंगन में नाग का एक पूरा परिवार रह रहा था। उस परिवार में नाग, नागिन और उनके दो बच्चे थे। रमेश के लिए उन चारों को पकड़ना असंभव के करीब था, क्योंकि अगर वो एक नाग को पकड़ता तो बाकी के तीनों उसे काटने की कोशिश करते या फिर वहाँ से भाग जाते। इसीलिए उसने वहीं पर उन नागों को मारने का फैसला किया, लेकिन वो चारों को नहीं मार पाया। नागिन और दो बच्चे वहाँ से भाग गए और बचने में कामयाब हुए। रमेश ने नाग को मार तो दिया, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसकी सांपों को मारने की ये बुरी आदत उसे आगे चलकर बहुत बड़ी मुसीबत में डालने वाली थी। उस नाग को मारने के कुछ दिनों बाद तक सब कुछ ठीक था, लेकिन फिर रमेश को लगभग हर रात को एक सपना आने लगा। उस सपने में वो अपने ऑफिस से घर आने के लिए निकलता था, लेकिन ऑफिस से बाहर निकलने के तुरंत बाद बहुत सारे नाग और नागिन उसका पीछा करते हुए घर तक आते थे और उसे काटने की कोशिश भी करते थे। भागते हुए जब रमेश घर के दरवाजे तक पहुंच जाता, तभी नागिन उसे डस लेती थी और रमेश उसी वक्त नींद से जाग जाता था। 2 से 3 महीनों तक रमेश को लगातार वो सपने आते रहे। वो उन सपनों की वजह से परेशान हो गया था, लेकिन इसके बावजूद उसने सांपों को पकड़ने और मारने का काम बंद नहीं किया। उसे ये कभी भी महसूस नहीं हुआ कि सांपों को मारकर वो कितना गलत काम कर रहा था। रमेश को वो सपने आते रहे, और फिर एक दिन ऐसा आया जब उसके सपनों ने सच्चाई का रूप ले लिया। एक शाम को रमेश ऑफिस से घर आया, तब उसे अपने घर के आंगन में एक नागिन और दो नाग दिखे, जो फन उठाकर रमेश को देख रहे थे। आदत से मजबूर रमेश ने डंडा उठाया और वो उन्हें मारने के लिए दौड़ा, लेकिन तब तक वो नाग और नागिन वहाँ से भाग गए थे। अगली रात को रमेश ने फिर से उसी नागिन को देखा, लेकिन इस बार नागिन घर के अंदर थी और उसने रमेश को काटने की कोशिश भी की, लेकिन रमेश बाल बाल बच गया। उस रात को रमेश अपने एक दोस्त के घर रहने के लिए चला गया। अब रमेश का और उन नाग और नागिन का अक्सर सामना होने लगा। कभी कभी तो सपने की तरह वो नाग और नागिन ऑफिस से घर तक रमेश का पीछा करते थे और उसे काटने की कोशिश भी करते थे, लेकिन रमेश का नसीब अच्छा था जो वो हर बार बच जाता था। रमेश अपने साथ हो रही घटनाओं की वजह से और सपनों की वजह से परेशान होकर एक दिन भोलेनाथ के मंदिर चला गया। दर्शन करने के बाद रमेश वहाँ के एक पुजारी से मिला और उन्हें अपनी परेशानी बताई।
तब पुजारी ने रमेश से पूछा कि क्या उसने कभी किसी नाग को मारा है। तब रमेश ने उन्हें बताया कि वो सांपों को मारने का काम करता है और एक बार उसने एक नाग को भी मारा था, लेकिन उस नाग का परिवार वहां से बचने में कामयाब हुआ था। तब पुजारी ने कहा कि वो उसी नाग का परिवार है जो तुम्हें तकलीफ दे रहा है और तुमसे बदला लेने आया है। रमेश ने पुजारी से इससे बचने का उपाय पूछने पर उन्होंने बताया कि पहले तो उसे सांपों को मारना बंद करना होगा और उसके बाद हर सोमवार को भगवान भोलेनाथ और नाग देवता से माफ़ी मांग कर उनकी पूजा भी करनी पड़ेगी। रमेश ने उसी दिन से सांपों को पकड़ने और मारने का काम छोड़ दिया और हर सोमवार वो भगवान भोलेनाथ और नाग देवता के मंदिर जाकर उनकी पूजा करने लगा और साथ ही साथ अपनी गलती की माफ़ी भी मांगने लगा, लेकिन उसे इतनी जल्दी माफ़ी नहीं मिली। करीब 2 सालों तक लगातार मंदिर जाने के बाद पहले तो धीरे धीरे रमेश को नागों के सपने आने बंद हुए और फिर आखिरकार उस नागिन और नागों ने भी उसका पीछा करना छोड़ दिया। आज रमेश रिटायर होकर अपने गांव में रहता है, लेकिन अब उसने सांपों को पकड़ने और मारने का काम पूरी तरह से छोड़ दिया है और वो जितना हो सके उतना किसी भी तरह के सांप से दूर रहता है।